ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई नॉट इज गिवन, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ओके सो देखो, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से ये जेड एक्सिस है। सो हमें ऐसा एक रेक्टेंगुलर सरफेस लेना है जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है देन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सो आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करो सच दैट वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इसका एरिया आपको दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली उसके दो कंपोनेंट है ना, एक आई कैप कंपोनेंट है और एक जे कैप कंपोनेंट है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, लेट्स से ई एक्स, और एक कंपोनेंट है जो कि वाई डायरेक्शन में है, ई वाई। सो आप देखो कि जो ई वाई है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। ई वाई के कारण कोई फ्लक्स नहीं आएगा इस सरफेस से, बिकॉज जो वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वाई, वो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। और जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? सो इस सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा। सो जो टोटल फ्लक्स आएगा इस सरफेस से वो सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा, और कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्स ई एक्स इंटू एरिया, राइट? Because x component of the electric field is perpendicular to this surface. Okay, ex का वैल्यू कितना था? 3/5 e naught, ये आपकी x direction की electric field थी, into area, right? बस यही आपको find out करना है। 3/5 into e naught का वैल्यू कितना था? 2 × 10⁻³ into area का वैल्यू कितना था? 0.5। इसको सॉल्व कर लेना, this is the answer. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.